हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अविनाश शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज विथ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, साइन इनवर्स, शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। एंड एग्जाम्पल नंबर 12 इज सिंप्लीफाई टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स इफ ए बाई बी टेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। LHS, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़ना है तो आप जितने भी फार्मूले मैंने आपको प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ाए हैं सब आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखेंगे वो फार्मूला यहाँ एक भी यूटिलाइज अभी नहीं हो रहा, ठीक। तो पहले हम फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो गिवेन है, पहले उसको ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, फार्मूले के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखो, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। आप एज्यूम कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स, ऐसा यहाँ पर कर लें, लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू ए, इम्प्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू 12/13। एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेंगे, इस एंगल को ए कर देंगे। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज द वैल्यू ऑफ 5। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे टेन ए, क्योंकि ये सबको हम कर लेंगे टेन के फॉर्म में। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला हमें मालूम है, यहाँ पे टेन इनवर्स वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। क्लियर? तो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5 ए, ए इज इक्वल टू आपका है ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 एंड साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5। कॉस को भी चेंज कर लेंगे, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू बी एंड कॉस बी इज इक्वल टू 4/5। एक ट्रायंगल बनाते हैं, बी एंगल शो कर लेंगे, बी कॉस बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज द वैल्यू ऑफ 3। टेन ए इज इक्वल टू, सॉरी, टेन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? देन बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 एंड बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। क्लियर? कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 एंड साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5। दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तब जाके हम टेन इनवर्स की वैल्यू, सॉरी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई यूटिलाइज कर लेंगे। क्लियर? देन साइन इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 63/16। क्लियर? इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर? प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, फिर मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स क्या एलसीएम आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे, 12/4 = 48 प्लस 5/3 = 15 अपॉन, ये डिनोमिनेटर कैंसिल कर लेंगे आफ्टर एलसीएम, ठीक। 5/4 = 20 माइनस 12/3 = 36 प्लस टेन इनवर्स
63 अपॉन 16 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 63 अपॉन माइनस 16 प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन 16। क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन यूटिलाइज द फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y एंड टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, x में 63 अपॉन माइनस 16 प्लस y, 63 अपॉन 16 अपॉन 1 माइनस x, x में 63 अपॉन माइनस 16 देन माइनस इनटू 63 अपॉन 16। क्लियर? देन दिस इज माइनस एंड दिस प्लस, कैंसिल आउट, टेन इनवर्स 0 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देखो 0 मिस होता है, टेन 0 और टेन पाई, टेन टू पाई, टेन थ्री पाई, टेन फोर पाई, ठीक, पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं उस पे टेन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इससे हम लिख सकते हैं टेन पाई। क्लियर? टेन इनवर्स टेन कैंसिल आउट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये आंसर लेके आना, हेंस प्रूफ। क्लियर? दिस द प्रूफ ऑफ एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 12 पे आते हैं, सिंप्लीफाई करना, टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि टेन इनवर्स अगर के बाद डोमेन में कुछ आए तो उस डोमेन को सॉल्व करके टेन का फंक्शन ले जाता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेंजेंट लेके आते हैं, टेन लेके आते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे लेके आए, कल एक क्वेश्चन इस टाइप में मैंने आपको बताया था, एंड टेन इनवर्स यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, फार्मूला का फॉर्मेट ऐसे होता है, टेन ए प्लस भी बनेगा और टेन ए माइनस भी बनेगा, ऊपर माइनस साइन है तो जाहिर सी बात है वो टेन ए माइनस बी का फार्मूला होगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। आप वैसे बनाने के लिए यहाँ पे पहले कॉमन करेंगे ए कॉस एक्स, ए कॉस एक्स कॉमन होगा, यहाँ पे बचेगा आपका वन माइनस ए कॉस एक्स कॉमन हो गया, यहाँ पे हो जाएगा बी साइन एक्स अपॉन ए कॉस एक्स। क्लियर? अपॉन हो जाएगा आपका बी कॉस एक्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन, इन डिनोमिनेटर कॉमन बी कॉस एक्स, वन प्लस ए बाई बी साइन, सॉरी ए साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ए कॉस एक्स कॉमन, यहाँ पे वन बचेगा, माइनस बी साइन एक्स से ए कॉस एक्स कॉमन नहीं था तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। सिमिलरली बी कॉस एक्स कॉमन तो वन प्लस ए कॉस ए साइन एक्स, यहाँ से कॉमन में, सॉरी बी कॉस एक्स यहाँ पे कॉमन नहीं था, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा, दिस इज कैंसिल एंड टेन इनवर्स ए बाई बी वन माइनस बी अपॉन ए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स अपॉन वन प्लस ए बाई बी टेन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो फॉर्मूले में ये होता है कि टेन ए माइनस टेन बी और टेन ए प्लस टेन बी, तो यहाँ पे अगर ये बन भी रहा है फार्मूला टेन ए माइनस टेन बी, यहाँ पे बी अपॉन ए आ रहा है तो बी अपॉन ए को पहले कॉमन कर लो आप। ठीक है, देन टेन इनवर्स ए अपॉन बी, बी अपॉन ए कॉमन, बी अपॉन ए कॉमन, बी अपॉन ए कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ए अपॉन बी। क्लियर? ऐसा कर ले, नहीं समझ में आ रहा है तो वन अपॉन, देखो यहाँ पे ऐसे आप समझो, जब कॉमन जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं उस नंबर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया आपको ए कॉस एक्स कॉमन था लेकिन यहाँ पे कॉमन है तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे बी अपॉन ए कॉमन किया, यहाँ पे तो कॉमन था बट यहाँ कॉमन नहीं था तो यहाँ पे बी अपॉन ए करते हैं, माइनस ये कॉमन में हो गया टेन एक्स अपॉन वन प्लस ए अपॉन बी टेन एक्स, दिस इज कैंसिल, ये क्लोज हो गया, टेन इनवर्स वन अपॉन बी अपॉन इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस टेन एक्स अपॉन
वन प्लस ए अपान बी इंटू टेन एक्स, क्लियर। और अगर ए अपान बी को कुछ एज्यूम कर लें, ये एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। देन लेट ए अपान बी इज इक्वल टू टेन थीटा इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपान बी। लास्टली इसको यूटिलाइज कर लेंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन एक्स, क्लियर। नेक्स्ट टेन इनवर्स टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस बी थीटा माइनस एक्स। टेन इनवर्स टेन आर कैंसिल आउट थीटा माइनस एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी एंड टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स, दिस इज द एंसर। क्लियर, प्लीज वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13 स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, क्लियर। Using the formula tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi by 4 and tan inverse x plus y upon 1 minus xy, clear, is equal to pi by 4, clear। Then is like a tan inverse transfer karte hain idhar right side, 2x plus 3x is equal to 5x upon 1 minus 2 3 सार 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर, फाइव एक्स अपान वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, देन फाइव एक्स इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर ट्रांसफर इज सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ट्राइनोमियल प्रोसेस, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, सिक्स वन सा सिक्स, दो नंबर चूज करेंगे, प्लस या माइनस करने पर फाइव आ जाए, फाइव आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आ जाए, ठीक है। वो नंबर होगा आपका सिक्स एंड वन, क्लियर। तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन सिक्स एक्स कॉमन एक्स प्लस वन, माइनस वन कॉमन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन कॉमन and 6x minus 1 is remaining is equal to 0. When 6x is equal to 0, therefore x is equal to 1 by 6 and next is x is equal to minus 1. Therefore, 2 answer of 6, sorry, therefore 2 answer of x, 1 by 6 and minus 1, clear? Exercise mein aate hai students, miscellaneous exercise 2 and question number 1 is equal to hints guess mein hai. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू फाइंड करना है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर टू है टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाई सिक्स। देखते हैं यहाँ पे कॉस की डोमेन, सॉरी कॉस की रेंज होती है 0 टू पाई, क्लियर। उस रेंज में आपको काम करना है, मीन्स 0 टू 180 डिग्री, क्लियर। तो पहले तो ये एंगल क्लियर कर लो, ये एंगल है कितना आपका, ठीक है। पाई बाई सिक्स मीन्स होता है 30 डिग्री एंड इंटू 13, जीरो 13 थ्री सा 39 ओवरऑल 390 डिग्री, 390 डिग्री मिस हो जाएगा। अब ये तो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो पहले इसको चेंज करेंगे हम लोग, इस एंगल को चेंज कर लो पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 390 मिस हो जाएगा 360 प्लस 30 डिग्री है ना, 360 प्लस 30 है। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर एंगल 360 से ज़्यादा हो तो उस एंगल में 360 से डिवाइड करते हैं, क्लियर। तो इस एंगल को 360 से आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, वन टाइम्स आएगा, ये होता है यन इंटू 360 प्लस रिमाइंडर मीन्स थीटा, यन मीन्स होता है इसका क्वेश्चन वन इंटू 360 प्लस रिमाइंडर्स का है 30, ठीक है। तो लास्टली क्या करते हैं कि इसको हम
लीव कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और आपका बचेगा जो वो आंसर होता है मीन्स 360 + 30। 360 मिस हो जाएगा 2π + 30 मिस हो जाएगा π/6। क्लियर? इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, चलिए स्टार्ट कर दिया था, cos 2π पे cos ही होगा, बिकॉज 180 एंड 360 पे एंगल, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री जैसे चेंज नहीं होता है, वही रहता है, एंड इसका एंगल है π/6। 2π प्लस मिस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट हैव ऑल पॉजिटिव वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। ये π/6 हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट बिकॉज ये जीरो से पाई में आ गया, जीरो से पाई में बिलोंग कर रहा है, इसका आंसर आ जाएगा π/6। ठीक है, दिस इज द आंसर, इसको डील करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे टेन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 to π/2 होती है। क्लियर? ये एंगल जो आपका है π/6 मिस हो जाएगा 30 डिग्री, इंटू 7 करेंगे 210 मिस थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, मिस थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये इसमें लाइन ही करेगा, इसको और ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसको ब्रेक करने वाला 180 + 30 लिख सकेंगे, ठीक है, 180 + 30। अगर टेन इनवर्स टेन 180 मिस पाई प्लस 30 मिस π/6 इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई पर, यहाँ पे टेन हो जाएगा बिकॉज पाई एंड टू पाई पे एंगल चेंज नहीं होगा, एंड थ्री पाई बाई टू पे जो रेशियो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, सॉरी पाई एंड टू पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होती है, एंड π/2 and 3π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम रहते हैं। क्लियर? टेन पाई पर टेन, एंगल इज π/6, पाई प्लस मिस थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हैव फॉर टेन इज पॉजिटिव वैल्यू। टेन के लिए जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो कौन सी वैल्यू होता है? पॉजिटिव। क्लियर? टेन इनवर्स टेन का कैंसिल आउट, इसका भी आंसर क्या आएगा? π/6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू 2 sin inverse 3/5 इज इक्वल टू 10 inverse 24/7। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में उतना है नहीं। जैसे आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा अगर बुक उठाएंगे, उसमें बहुत सारे फार्मूले आपको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल 2 sin inverse x, 3 sin inverse x, ठीक है, 2 cos inverse x, 3 cos inverse x। एग्जांपल में जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 में, सॉरी 5 या 6 में आपको मिला था 2 tan inverse x, इसके 3 फार्मूले आपको मिले थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कुछ ऐसे कर, ठीक है। तो ये जो फार्मूले हैं उस पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 2 sin inverse x यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे sin inverse x + sin inverse y यूज होगा, cos inverse x + cos inverse y यूज होगा, ठीक है, वो फार्मूले मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, उसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि डायरेक्ट फार्मूले पे आप ये वैल्यू रखो और आपका सोल्यूशन सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो सीधे सीधे सबको क्या करेंगे, जैसे एनसीईआरटी को अगर फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप चेंज करेंगे टेन इनवर्स में, क्योंकि आपको केवल टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई केवल मालूम है। तो सबको आप पहले उसमें चेंज करोगे, फिर आप अप्लाई करोगे उस फार्मूले को, ठीक है। तो देखते हैं, 2 sin inverse x एंड 2 sin inverse x, आप एक एग्जांपल पढ़े होंगे, एग्जांपल नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 में, तो वहाँ पे एक फार्मूला होगा ऐसे करके, sin inverse 2x √1 - x² =
टू साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। एंड टू साइन इनवर्स एक्स के लिए फार्मूला होता है टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो आप पहले ये फार्मूला लिख लो, मैं कुछ फार्मूला लिखा दे रहा हूँ, इसके बाद जब चाहें मैं तुम्हें चेंज करा सकता हूँ, चेंज करके उसमें बता सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कर दे रहा हूँ, साइन इनवर्स सॉरी टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे सॉरी प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे होगा, ये वाला साइन माइनस हो जाता है, क्लियर। एंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस ए ब्रैकेट रहेगा पूरा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस पे माइनस हो जाता है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। एंड माइनस साइन शो करेगा तो ये प्लस साइन को शो करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत फार्मूले आपको मिलेंगे, तो पहले फार्मूला आप नोट डाउन कर लो, फिर इसको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। और अगर आपको नहीं ये लर्न है तो आप सीधे सीधे फंक्शन को चेंज करेंगे टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स में चेंज करने के बाद आप सीधे फार्मूले को रखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, क्योंकि वही फार्मूला ही हमको पता है, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एल एच एस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स, एक्स मीन्स थ्री बाई फाइव रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स थ्री बाई फाइव ऑफ द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला दे रहे हैं, सिंस साइन सॉरी ऐसा करते हैं टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छे से आपका एंड साइन इनवर्स टू थ्री सर सिक्स बाई फाइव इंटू वन माइनस नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, क्लियर। साइन इनवर्स सिक्स बाई फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन या सिक्सटीन बाई फाइव मीन्स फोर बाई फाइव। साइन इनवर्स ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव, साइन इनवर्स ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव है। अगर हम लेट इसको टेन में चेंज कर दो, साइन इनवर्स ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ए, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव, क्लियर। ट्रायंगल शो कर लेंगे यहाँ पे, ये एंगल हो जाएगा ए आपका। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेवन, सेवन जाएगा, देयरफॉर टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन, ए इज इक्वल ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन एंड ए इज इक्वल टू अब क्या है साइन इनवर्स ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन, ठीक। ये आपका सलूशन कुछ ऐसे सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला जो मैंने आपको लिखाया है टू साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई या माइनस वाला या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप फार्मूला लर्न कर लूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते आगे आप लेक्चर्स, ये आप लिखा सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स मीन्स एट बाई सेवेंटीन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर मीन्स नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, डायरेक्ट हम स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस वाई वाई मीन्स थ्री बाई फाइव रूट वन माइनस एट बाई सेवेंटीन ऑफ द होल स्क्वायर सॉरी सिक्सटी फोर अपॉन टू एट्टी नाइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स
रेंज है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा आप पूरा, ठीक है टोटल 8/70 ये हो जाएगा 25 - 9 16/25 मीन्स 4/5 + 3/5 इंटू 289 से 64 माइनस करेंगे 9 से 4 माइनस करेंगे 5 86 माइनस करेंगे तो 225 मीन्स 15/17 क्लियर। देन साइन इनवर्स 8 4s are 32/85 + 45/85 क्लियर। साइन इनवर्स 2 5 7 4 3 7/85 क्लियर। साइन इनवर्स 77/85 अब इसको एज्यूम कर लेंगे ये इज इक्वल टू ए, लेट साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू ए, ट्राइंगल गैस कर लेंगे यहाँ पे ए, साइन इज इक्वल टू 77 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्लियर। अब इसकी वैल्यू थोड़ा सा फाइंड करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करके स्क्वायर ले लें तो 85² - 77² ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते हैं, सबसे सिंपल हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट कर लेंगे 5 7 12 and 8 7 15 15 1 16 इंटू 85 - 77 8 8 2s are 16 कैरी 1 8 6s are 48 48 1 49 कैरी 4 8 1s are 8 and 4 12 96 स्क्वायर रूट हो जाएगा 36 ठीक है। एंड 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन 36 ए इज इक्वल टू 10 inverse 77/36 एंड ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू 10 inverse 77/36 ठीक है। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 लास्ट है। 5 देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई यूज करते हैं, सबसे सिंपल यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू cos inverse xy - 1 - x² - 1 - y² क्लियर। cos inverse x, x मीन्स 4/5 इंटू y मीन्स 12/13 माइनस रूट 1 - x² मीन्स 16/25 एंड 1 - y² मीन्स 144/169 क्लियर। द कॉस इनवर्स 12 4s are 48 upon 13 5s are 65 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 9/25 में 3/5 हो जाएगा इंटू माइनस करेंगे 9 से 4 माइनस करेंगे 5 6 से 4 माइनस करेंगे 2 मीन्स 5/13 क्लियर। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 क्लियर। एंड कॉस इनवर्स 48 - 15 8 - 5 = 3 4 - 1 = 3 अपॉन 65 क्लियर स्टूडेंट्स। कॉस इनवर्स 33/65 दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है स्टूडेंट्स। हैंस प्रूफ एंड प्लीज वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स 12/13 + sin inverse 3/5 = sin inverse 56/65 देखो यहाँ पे ये कॉस इनवर्स का, ये कॉस इनवर्स का फंक्शन है या साइन इनवर्स का फंक्शन ठीक है, दोनों अलग अलग है और आंसर में आपको लेके आना साइन इनवर्स ठीक है। तो अगर आप चाहो तो कॉस इनवर्स को चेंज करो साइन इनवर्स में, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा दो आंसर आपका आ जाएगा ठीक। याद एक काम और आप कर सकते हो, यहाँ पे साइन इनवर्स को चेंज करो कॉस इनवर्स में तो फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगाओ, फिर जो आएगा उसको साइन इनवर्स में चेंज करो तो भी आंसर आएगा, या दोनों को टेन में चेंज करो टेन इनवर्स में फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाओ, फिर लास्टली साइन में चेंज करो ठीक। तो सबसे आसान काम ये होगा
इसको साइन में चेंज कर लें, साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स वाई लगा दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू 12/13, ये एंगल हो जाएगा आपका ए, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर, ये आपकी साइड होगी 5, एंड सॉरी साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, एंड ए इज कॉल्ड कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, कॉस इनवर्स 12/13 जो होगा वो साइन इनवर्स 5/13 के इक्वल होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉस सॉरी साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, यूजिंग द फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एंड साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 9/25 प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 25/169, क्लियर, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, माइनस करेंगे इसको यहाँ पे 16/25 मीन्स 4/5 प्लस 3/5 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो 144/169 मीन्स 12/13, क्लियर, देन साइन इनवर्स 20/65 प्लस 36/65 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। दिस इज अ प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज द होमवर्क ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क होगा, तो यहाँ तक का नोट्स स्टूडेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और टेस्ट के लिए आप रेडी रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी जैसा ही ख़त्म होगी उसके बाद की जो क्लास होगी वो टेस्ट के लिए होगी। ठीक है, तो बस अब आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज यही होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए होगी। ठीक है,